फेस वॉश कर लूँ, उसके बाद आता हूँ। हाँ अब थोड़ा बेहतर है, फ़ैन चला सकता हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, फ़ैन चला सकता हूँ, लेकिन नहीं चला रहा क्योंकि फिर वो आवाज़ का थोड़ा सा मसला बनता होता है, इस वजह से बेहतर है कि फ़ैन भी ना ही चलाऊँ। इस क्वारंटाइन में मतलब दिल तो मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, लेकिन क्या करें क्या करें भाई, भाई की बर्थडे है यार, 19th बर्थडे ऑफ हबीब इकबाल। कई लोगों को लगता है जैसे कि मैं 19 का नहीं हूँ, मैं अपनी फेक लगाई हुई है CNS के ऊपर डेट, दिखा देता हूँ भाई। ये मेरी 2015 की फ़ोटो है, ये मेरी 2016 की फ़ोटो है, ये मेरी 2017 की फ़ोटो है, ये मेरी 2018 की फ़ोटो है, ये मेरी 2019 की फ़ोटो है, और ये 2020 में आपका भाई इस वक्त आपके सामने मौजूद है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि एकदम से मतलब कैसे इतना जवान हो गया, ये मुझे भी नहीं पता, ये अल्लाह ताला से पूछे, लेकिन आपके सामने मैंने प्रूफ बकायदे तौर पर रखा है। 20 दिन घर के अंदर रहने के बाद फाइनली मैंने भाई कुछ 15-20 दिनों के बाद रहने के बाद भाई मैंने फाइनली कुछ रूल्स तोड़े और मैं निकल गया भाई बाहर, और मैं गया हूँ सीधा अबैद से मिलने और हमजा से मिलने, क्योंकि आई कैन नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ टू बी ऑनेस्ट। मैं ज़रा फिलवकत जो है अभी लेने के लिए जा रहा हूँ, अभी मैं हमजा की तरफ जा रहा हूँ अडोबी प्रीमियर लेने के लिए, क्योंकि मैंने कहा यार इस लॉकडाउन में कुछ तो प्रोडक्टिविटी की जाए, तो चलो क्यों ना अडोबी सीखा जाए फ्रॉम यूट्यूब, लेकिन अडोबी सीखने के लिए अडोबी होना चाहिए, तो वो फिर मैं अभी जा रहा हूँ हमजा के पास जाके उसे लेना अडोबी प्रीमियर, तो बात के घर से जाके कॉल करूँगा, वो सही होगा प्रॉबेबली, उसको उठा कर नीचे लेकर आना पड़ेगा, तो भाई आ जाओ चलते हैं कहीं ना कहीं। फाइनली वी गॉट अबैद भाई फ्रॉम हिज होम, मतलब भाईजान का मूड कोई नहीं था आने का, लेकिन स्टिल मैंने उसको उठा लिया, मैंने कहा भाई आना तो पड़ेगा, ये तो होगा। अबैद भाई आप मुझे ये बताएं कि आपको कैसा लग रहा है इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ आज ब्लॉग के अंदर बन आगे? यार मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज आपके साथ अच्छा ठीक है कोई मसला नहीं है, खोती रेडी से मुझे पता है, खोती रेडी में कोई मसला नहीं है भाई, बचते रहते हैं। पेशे खिदमत है हमजा साहब, हमजा साहब इधर आए, एक बात बताएं। बैल भैया अच्छा बैल बज गई सॉरी, ये बताएं कि आपने अभी तक प्रोडक्टिव कोई नहीं उस्मान कोई नहीं है, आपके वालिद साहब आए हैं। अच्छा तकरीबन कोई 15-20 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन हुए को, हाँ जी, तो आपने इसके अंदर क्या प्रोडक्टिविटी की है अभी तक? कुछ भी नहीं, मतलब कुछ आपने खड़ा नहीं आने के? नहीं। आपकी उम्र क्या है? 18। आपने 18 सालों में क्या पट लिया? कुछ भी नहीं, नहीं मतलब आप भी यहीं पे हैं, मैं भी यहीं पे हूँ, वो जो लंगूर का खड़ा हुआ वो भी वहीं पे है, तो खड़ा क्या आप लोगों ने? हमजा भाई अपना स्टे सेफ और कीप डिस्टेंस विद कोरोना वायरस, मतलब तू दूर हो जाना कोरोना वायरस तो खुद है। अपनी जिंदगी में कभी सांप देखे हैं? मतलब इंसानों में सांप यार, वो जो नागिन है वो तो पहले चलता था लेकिन से तो छोड़ो, लेकिन डसने वाले रियल में सांप मैंने देखे हैं, जिसको अभी आपको दिखाया वही सबसे बड़ा आस्तीन का सांप है हमजा, मेरे दोस्त वैसे ही हैं। मतलब मैं गया था डॉबी प्रीमियर लेने के लिए, उस बंदे ने अभी मुझे शॉर्टकट पकड़ा के ले लिया USB में। खैर मैं घर आ गया और उसके बाद फिर मैंने लमिया तान के सो गया, मतलब यार जरूरी चीज़ है, सोना भी अच्छी चीज़ है, मैं सो गया और फिर बस मैं सोया रहा। तो फिर बस बाद में इफ्तारी के लिए मैं गया था, एक दफ़ा बाहर जाके कोई सामान वगैरह थोड़ा सा लेकर आना था, लेकिन मैं जाते घर सो गया था। अभी जरा सामान लेना था इफ्तारी का, और इफ्तारी का सामान मैंने ले चुका हूँ यूसुफ साहब, यूसुफ साहब मेरे साथ बैठे हूँ इस वक्त। यूसुफ साहब कैसे हैं आप? इसने रोज़ा नहीं रखा, मैंने रोज़ा रखा, इसने क्यों नहीं रोज़ा रखा बताओ यूसुफ आप? अब मैंने वैसे नहीं रखा क्योंकि मैंने रोज़ा रखा है, और अभी मैं इफ्तारी का सामान लेके समोसे लेकर आया हूँ, और मैंने उसको बता दिया कि भाई रोज़ेदारों का है, आपने नहीं खाना। हसीब आप नहीं खाओगे ना? खाऊंगा। हसीब रमजान में तो शैतान को कैद कर दिया जाता है ना? हाँ। तो फिर तुम किसने बाहर हो? इमरान खान की वजह से। वीडियो मैं इतनी अच्छी बना नहीं पाया बर्थडे की, उसके लिए अपोलोजाइज ऑलरेडी। इसका रीजन ये है कि मैंने अपने किसी दोस्तों के साथ तो बनाई नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर तो फिर जाहिर है फिर कोई अच्छी वीडियो बन जाती, फैमिली के अंदर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी कोई अच्छी वीडियो बन जाए, ठीक है, कभी भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। बिल्कुल मेरे मुंह के ऊपर रख के इन्होंने वीडियो बनाई, और उसके अंदर मेरा मुंह तो बिल्कुल नज़र नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ वो जो कैंडल जो थी बस एक वो नज़र आती है, केक का हल्का फुल्का सा सीन नज़र आ रहा था, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो भाई खैर ये थी मेरी सालगिरह 2020 की, और आपका भाई ऑलरेडी मतलब आई एम टर्न 19 दिस ईयर, और अब अगले साल 20 साल का हो जाऊंगा इंशाल्लाह।
19 साल जिंदगी के बड़े अच्छे भी गुजरे हैं, बहुत बुरे भी गुजरे हैं। मतलब जाहिर है कभी खुशी कभी गम, और कभी कुछ अच्छे हालात आ जाते हैं, कभी कुछ बुरे हालात आ जाते हैं। लेकिन ये जो बुरे हालात हैं ना, मेरे ख्याल से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये सिखाते हैं, आपको मजबूत बनाते हैं, ठीक है। और मतलब मैंने कोई बहुत ज़्यादा उम्र तो नहीं गुजारने ली है कि जो मैं बयान करूँ कि भाई मैंने क्या बीता, मेरे ऊपर क्या देखा मैंने, बट स्टिल यही मैं कह सकता हूँ कि देखो यार, ज़िंदगी हसीन बहुत ज़्यादा है, इसको जितना जी लो उतना कम है। आपको पता नहीं कि कल क्या हो सकता है, इस वजह से बस कल की फिक्रों से बेहतर है कि आप बस अपने आज को इन्जॉय करो। पता नहीं है कि कल को आपकी अगली ज़िंदगी, आपको अगला दिन देखना भी है या नहीं देखना। सो बस अपने आज को अच्छे तरीके से जी लो, और ताकि कल को कोई रिग्रेट अपनी ज़िंदगी में ना रख पाओ। ओके, तो एक छोटी सी बस मोटिवेशन टाइप चीज़, जो मर्जी समझ लो यानी कि आमीन आमीन। अब मुझे ये बताएं कि मेरा गिफ्ट कब तक मिलेगा? चलें ठीक है अपा जी, थैंक यू सो मच। और आपको पता है मेरी एज अब कितनी हो गई है? जी तो यार, खैर आज की वीडियो फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई नो कि वीडियो छोटी है, लेकिन स्टिल यार देखो, पसीना देख रहे हो, मेरा पता नहीं नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, बट स्टिल पसीना आ रहा है। तो फिर इस वजह से इस खून पसीने की चीज़ को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और कमेंट करो, और इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।